खोर्धा जिला मालीपुर ग्रामर रामचंद्र नायक बयस 36 वर्ष सुदूर सुराटर एक सूताकल दिन मजुरा भाव कम करती परिवार कहले स्त्री आन झील तीन झीपर पुओटे रामचंद्र बाबू प्रभु धवलेश्वर निकट में मानसिक करतवर्ष श्रावण मसने कटक गड़गड़िया घाटर पा उठाई प्रभु मुंडे ढालती सबु वर्ष श्रावण मसने कंपानी एक मास पाई छुट्टी नहीं गाँ को आसती मस सारा पूरा निष्ठार रुहती आउ दिन भार नहीं जाती निर्जल उपवास कर महानदी पा उठे प्रभु श्री धवलेश्वर मुंडे ढालती 2017 मसीहा कथा से ही वर्ष रामचंद्र बाबू श्रावण मसने कंपानी छुट्टी नहीं आसी प्रभु धवलेश्वर मुंडे पा ढाई जुलाई 24 तारीख 2017 मसीहा से दिन थाए श्रावण मासर द्वितीय सोमवार प्रभु मुंडे पा ढाई गाँ सांग सहित रविवार दिन बाहरी पड़े रामचंद्र बाबू कटक गड़गड़िया घाटर पा नहीं बाबा श्री धवलेश्वर निकट को नापी योजना करते समस्ते योजना अनुसार कावड़िया माने पानी भार धरी चलिए धवलेश्वर मंदिर को से दिन पानी भार नहीं जाऊथिबा समय रे तांको सह एमिति किछि घटना घटिबो बोली भाबी नथिले रामचंद्र बाबू से ही घटना को से आज पर्यंत भी तांको मनरु भूली पारि नाहंती आउ जेते बेले भाबी दियंती तांको लुमो टांकुरी उठे एबे भी जेते बेले से बोलबम जानती से ही घटना को मने पकेई आखिरु दुईधार लुह गड़े दियंती आउ प्रभु को हाथ जोड़ी तांको अपार करुणा पाई मुंडिया मारती से दिन काउड़िया भाई मानक सह पानी भार नहीं खाली पादरे चली चली आसुले रामचंद्र बाबू पाटी रे प्रभु शिवों नाम उच्चारण करुथांती आउ मने मने भावुथांती केमिती भलर जाई प्रभु को दर्शन करी तांको मुंडरे पानी ढालिबे एमिती भाभी भाभी चलला बेले तांकर नजर नाही से केते बेले अन्य काउड़िया भाई मानकठु बहुत आग को चली आसछंती मंदिर आउ अल्प बाट थाए मझे पूरा निछाटिया रास्ता राति भी बहुत वर्षा झिपिझिपि होउछि हठात से देखिबा को पाइले तांको सामनारे एक विशाल नागसाप फणा टेकी तांको चाहि रहिछि एत्ते बड़ नागसाप आउ तार विशाल फणा रामचंद्र बाबू केबे भी एत्ते बड़ साप तांको जीवन रे देखि नथिले साप को देखि तांको पाद अटकी गला आग को पछ को सबुआडे अनै देखिले केहि कुआडे देखा जाउ नाहंती सामनारे हठात एत्ते बड़ साप को देखि से डर रे खाली थरु थांती झिपी झिपी वर्षा हेउथिले भी तांको देहरु गम गम झाळ बही आसुथिला प्रथमे से बहुत डरी जाइथिले किंतु परे निजकु संभालिथिले आउ व्यस्त नहई से प्रभु धवलेश्वर को प्रार्थना कले आउ हात जोड़ी कहिले हे महादेव हे प्रभु धवलेश्वर मु दुखी मनिषटिए मोर जानंतरे किछि पाप करिनि निर्जल उपवास करि तुम पई पानी भार नै जाउछि जदि मोर अजाणतरे किछि भूल हो जाइछि मते क्षमा कर दियो प्रभु मोर किछि हेइ गले मो स्त्री पिला भासी जिबे प्रभु तुम्हें मो ऊपर दया करो प्रभु हे प्रभु धवलेश्वर तुम कृपा तो अपार ए दुखी भक्तर कि परीक्षा नेउछो ईश्वर एमिति कही चुपचाप आखि बंद करी प्रभु धवलेश्वर को हाथ जोड़ी प्रार्थना कले आउ किछि समय पर कहार हाथ स्पर्शरे जेतेबेले आखि खोली देखंती तांको चारिपाखरे गाँरु सांगो होई आसीथिबा कांवरिया भाई माने छिड़ा होइछंती आउ रामचंद्र बाबू को पचारुछंती ए रास्ता मझेरे काहेकि हाथ जोड़ी छिड़ा होइछु रामचंद्र बाबू आग को अनै देखंती तो सेठी से साप आउ नाही जहाँ को से देखिथिले से एही विषय रे काहाकु किछि जणैले नाही मने मने भाबुथांती प्रभु धवलेश्वर तांको दर्शन देइछंती किछि सूचना देबाकु मने मने प्रभु को मुंडिया मारे आउ कहा को किछि न कहि साथी कांवरिया मानक सहित प्रभु धवलेश्वर मंदिर को जाई प्रभु मस्तक जल ढाले आउ प्रभु को मुंडिया मारी कहिले हे प्रभु धवलेश्वर तुमको दर्शन करी ए दुखी भक्त आज धन्य हो गला मो मनस्कामना पूरण करिबो प्रभु आउ सारा जगतर कल्याण करिबो एमिति कहि ठाकुर को मुंडिया मारे आउ मन खुशी रे घर को फेरी आसिले सतकु सत आगामी वर्ष रामचंद्र बाबूंकर एक पुत्र संतान जन्म हैला ठाकुर डाक शुणिले बोली रामचंद्र बाबू आउ तांको स्त्री बहुत खुशी हो गले
ମନେ ମନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଅଟିକୁ ପାଇଥିବାରୁ ପୁଅର ନାଁ ଭୋଳା ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର, ତୁମ କୃପା ଅପାର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର।